हेलो एवरीवन, कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका लास्ट टॉपिक था। आज हम यूनिट सेकंड इम्यूनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंटीबॉडीज। इस पे जो क्वेश्चंस बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिंस या एंटीबॉडीज, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसमें भी आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, और यूनिट सेकंड इम्यूनोलॉजी जो है इसमें भी एक क्वेश्चन लॉन्ग में अवश्य मिलेगा। काफ़ी पूछा जाता है, हर बार आता है, इसको सही से तैयार कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एंटीबॉडीज ब्लड सीरम में मिलने वाली टोटल प्रोटीन का 17% होती हैं। ये अनेकों वैराइटीज में मिलती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि एक सिंगल बैक्टीरियम से डिफरेंट एंटीजन जुड़ सकते हैं, और हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है। अर्थात एंटीबॉडी एंटीजन के अनुसार डेवलप होती है। उनके लिए इम्यूनोग्लोबुलिंस का यूज होता है, जिसे रिप्रेजेंट करने हेतु आईजी शब्द का यूज करते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। एंटीबॉडीज प्रोटीनस बॉडीज होती हैं, यानी प्रोटीन की बनी हुई बॉडीज होती हैं जिनकी फॉर्मेशन एक एंटीजन के रेस्पॉन्स के संदर्भ में होती हैं, और यह उस एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। वास्तव में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन एंटीजन से सेल्फ डिफेंस के लिए होती है, यानी जो एंटीजन बनते हैं उसके अगेंस्ट वर्क करके ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, उसके लिए एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। 1950 के अंत तथा 1960 के प्रारंभ में, यानी 1950 के अंत तथा 1960 के दशक के प्रारंभ में एंटीबॉडीज के नेचर के विषय में विस्तार से जानकारी मिली। यानी जो 1950 से और 60 वाला रीजन था, इसमें एंटीबॉडीज पर काफ़ी वर्क हुआ, काफ़ी इसके बारे में रिसर्च की गई। इसे बताने का श्रेय जेराल्ड एम एडलमैन एंड एम पोर्टर को जाता है, जिन्हें 1972 के में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रोटीन्स के केमिकल कंपोजिशन तथा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। एक बेसिक एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिनमें 2 आइडेंटिकल हैवी चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती हैं। ये चेन आपस में सिंगल बॉन्ड सल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होती हैं, जिससे एक बाइसेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। प्रत्येक हैवी चेन में 400 से अधिक अमीनो एसिड, जबकि लाइट चेन में 200 अमीनो एसिड होते हैं। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन में कांस्टेंट तथा वेरिएबल रीजन पाए जाते हैं। लाइट व हैवी चेन दोनों में ही कांस्टेंट रीजन के अमीनो एसिड एंटीबॉडीज के लिए आइडेंटिकल होते हैं, फिर भी वेरिएबल रीजन के अमीनो एसिड डिफरेंट एंटीबॉडीज के लिए अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से लाइट व हैवी चेन्स के वेरिएबल जुड़कर एक हाईली स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल
स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एक एंजाइम्स के एक्टिव साइट के एनालोगस होता है। एंटीबॉडीज का यह प्रोटीन एंटीजेनिक डिटर्मिनेट से जुड़ जाता है, जो कि एक एंटीबॉडीज की आर्म आइडेंटिकल होती है। इसलिए एक सिंगल एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स टू एंटीजन मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। इसी कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप एंटीबॉडीज एंटीजन मॉलिक्यूल बनाता है। यदि हम एक एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स को पपीते के फल में फल से मिलने वाले पेप्टिन एंजाइम से ट्रीट करें तो मॉलिक्यूल्स को हिंज जॉइंट पर अलग हो जाते हैं, जिससे टू फंक्शनली डिफरेंट सेगमेंट्स का सेपरेशन हो जाता है। इनमें से एक फेवरेबल फ्रेगमेंट अर्थात फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग तथा दूसरा एफसी फ्रेगमेंट अर्थात फ्रेगमेंटल टेम क्रिस्टलाइज्ड होता है। इसके वेरियस यानी इसके विभिन्न फंक्शन होते हैं। यह एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल का वह भाग होता है जो फेगोसाइट से जुड़ता है। यह वायरल रिसेप्टर साइट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यह एलर्जिक रिएक्शन में कुछ सेल्स से अटैच होता है। यह बॉडी की रेसिस्टेंस मैकेनिज्म में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट भी करता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये वाला जो आप साइड देख रहे हैं ये लाइट चेन को शो करता है। इसमें ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। और ये वाली जो साइट है इसकी फैब यानी फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड टर्मिनस, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हैवी चेन, एफसी यानी फ्रेगमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट रीजन, यह है कार्बोक्सिल टर्मिनस। तो इसकी जो शेप है कैसी है, बाई शेप बाई होता है उसकी तरीके से इसी आकृति में ये दिखती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। अगर टाइप्स की बात करें तो अभी तक पांच प्रकार की एंटीबॉडीज ज्ञात हैं जो इस प्रकार है। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में आज तक एंटीबॉडीज की पांच टाइप ज्ञात हैं हो चुकी हैं, जो हैवी चेन्स में डिफरेंस के आधार पर इस प्रकार क्लासिफाई की गई हैं। नंबर वन IgM, यह पहली ऐसी एंटीबॉडी है जो सर्कुलेशन में बी लिम्फोसाइट के स्टिमुलेशन के बाद अपीयर होती है, इसलिए इसे प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स का मेन कंपोनेंट मानते हैं। इसलिए इसे प्राइमरी एंटीबॉडी लीजन का मेन कंपोनेंट मानते हैं। यह लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। यह लगभग 10% ऑफ एंटीबॉडीज होती है। इसका मॉलिकुलर वेट 900,000 डाल्टन होता है। प्रत्येक IgM अणु एक पेंटामियर होता है। इसमें 5 यूनिट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी होती हैं और ये चेन से कनेक्टेड होती है। इसमें जे चेन से कनेक्टेड होती हैं। इसमें जे चेन केवल एक होती है। जे चेन एसिडिक होती है तथा इसका मॉलिकुलर वेट 15,000 तक होता है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी यानी IgG। यह एंटीबॉडी एक बाइग्लोबिन है। यह
टोटल एंटीबॉडीज का 80% होती है, यह IgM द्वारा प्रारंभ की गई इम्यूनिटी को ही कंटिन्यू करती है, इसलिए इनको सेकेंडरी बॉडी रेस्पॉन्स कहा जाता है। यह एंटीजन के स्टिमुलेशन के 24 से 48 घंटे के बाद एपियर होती है। इस एंटीबॉडीज का मॉलिकुलर वेट 15,000 से 146,000 डाल्टन होता है। यह एंटीबॉडीज मदर के प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती हैं और बच्चे को तब तक इम्यूनिटी देती हैं जब तक उसकी आयु 6 माह ना हो जाए, वह अपनी स्वयं की एंटीबॉडी ना बनाने लगे। इसके अलावा यह एंटीबॉडीज डिजीज के लिए लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस देती है। यह काम बीटा लिम्फोसाइट के मेमोरी सेल्स द्वारा किया जाता है। अगर एक वैक्सीन की बूस्टर डोज का इंजेक्शन दिया जाए तो ब्लड सीरम में इस एंटीबॉडीज का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। इस एंटीबॉडीज को मैटरनल एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। तो आज हमने BSc थर्ड ईयर में इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत एंटीबॉडीज के इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ये वाई शेप्ड होता है, यानी जो वाई कैपिटल वाई होता है उसकी तरह ये दिखता है, तो उसको, उसके बाद टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया था। उसमें हमने आज 2 टाइप्स यानी IgM एंड IgG को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।